कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ के मछली पालकों के लिए है नए तालाब निर्माण की योजना। रांची के 13 प्रखंड के किसान ले सकते हैं कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना से लाभ। और भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सोलर। और अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा जिले के मछली पालकों के लिए उनके निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब निर्माण की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत 1 एकड़ आकार का तालाब बनाया जाएगा। जिन मछली पालकों के पास 1.25 एकड़ या इससे बड़े 1 नंबर या 2 नंबर दोन जमीन है, वो इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मार्च 2015 है। रांची जिला के 13 प्रखंडों के किसानों के लिए राज्य एवं केंद्रीय सहायता प्राप्त कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए कांके, बुड़मो, खिलारी, रातू, मांडर, चानहो, बेड़ो, लापुंग, इटकी, नगड़ी, नामकुम, अनगड़ा और ओरमांझी के किसान 17 मार्च 2015 तक भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय रांची में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जो किसान चना फसल लगाए हुए हैं, वो फल लगने के वक्त कीट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। फूल से फल बनने पर जब 50% तक फल का आकार विकसित हो जाए, तभी कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करें। चना फसल को सबसे अधिक खतरा रहता है फल छेदक कीटों से। ये कीट फलियों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और गुद्दे को खा जाते हैं। हम चना के फलियों में जो छेद देखते हैं, वो इन्हीं कीटों के प्रकोप से होता है। चना का जो पूर्ण आकार होता है, इसके आधे आकार ग्रहण करने के समय फल छेदक कीड़ों का प्रकोप ज्यादा होता है। चना फसल में फल छेदक को रोकने का उपाय है कि सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए फसल में लग गया है तो उसके लिए नीम से बना हुआ दवा का यूज करेंगे। नीम से जो बनता है, नीम एसिलिन आता है, नीम जो है 4 ml प्रति लीटर के साथ उसका छिड़काव करेंगे। या आपको क्लोरपाइरीफॉस एक दवा आता है जो रासायनिक कीटनाशक है, उससे हम लोग 2 ml 1 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। या आपको साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं, ये कीटनाशक करके हम लोग इसका रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आप सब्जी फसल भिंडी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं, तो इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका और संकर किस्मों में सोनल या सारिका नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। गर्मा भिंडी की बुआई में 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। संकर किस्मों के लिए 2.5 से 3 किलो बीज लगाएं। इसमें गैर संकर किस्मों की बुआई में कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर और संकर किस्मों के लिए कतारों में 50 और पौधों में 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गैर संकर उन्नत प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका और संकर प्रभेदों में सोनल या सारिका लगा सकते हैं। गैर संकर प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल और संकर प्रभेदों की उपज 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अन्य सब्जी फसलों सहित प्याज लगे खेत में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूँ 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहर किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। हम आपके लिए कई जानकारी आज लेकर यहाँ उपस्थित हैं। क्या जानकारी आज हम आपको देंगे ये बताने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ तो मंगरा भाई, आप किसान भाई बहनों को बता रहे थे कि बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आए हैं, तो आज इनको हम किस विषय के बारे में जानकारी देने वाले हैं? देखिए, आज दलहनी फसल के बारे में हम जो थोड़ी बहुत जानकारी है और महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बताएंगे। नहीं, आप गर्मा मूंग की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मूंग की बात कर रहे हैं। मूंग एक ऐसा फसल है दलहनी फसल में जो खरीफ के अलावे ग्रीष्मकालीन, इसकी भी बहुत ग्रीष्मकालीन मौसम में भी इसकी बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। तो हम किस तरह से ग्रीष्मकालीन मूंग की यानी कि गर्मा मूंग की खेती करें और बेहतर उपज लेने के लिए कौन से इसके उन्नत प्रभेद हैं जिसका चयन करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं। कौन है हमारे विशेषज्ञ? हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। हमेशा की तरह नई विषय के साथ, चर्चा के साथ हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। आज का विषय भी खास है, आपके बीच हम लेके आए हैं विषय झारखंड में गर्मा मूंग की उन्नत खेती एवं प्रभेद। हमारे झारखंड में गर्मा मूंग की उन्नत खेती एवं प्रभेद के बारे में बताएं। गर्मा मूंग की खेती हम जो है वैसे क्षेत्र में कर सकते हैं जहां हमें पानी की अच्छी व्यवस्था होती है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं PS16, SML668, SML832, सम्राट एवं एक पुरानी वैरायटी है जिसका नाम है पूसा बैसाखी। ये जो हमारी प्रभेद है ये गर्मा मूंग के लिए ही अनुशंसित प्रभेद हैं और जो कि जो है 65 से 70 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं और इन प्रभेदों की औसत उपज क्षमता जो है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गर्मा मूंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि खेत को अच्छी तरह, पहले तो हम गर्मा मूंग कब लगाते हैं ये किसान भाई जान लें। गर्मा मूंग हम फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेके 15 मार्च तक लगाते हैं।
जब गेहूं की कटाई हो जाए तो किसान भाई गर्मा मूंग की खेती आप कर सकते हैं। इसके लिए खेत को खेत में पहले जो है सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद उसकी अच्छी तरह जुताई करें। कुछ दिन के बाद जब वो जुतने लायक हो जाए तो उसकी जुताई करें, और इस जुते हुए खेत में जो है आप जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गर्मा मूंग के बीज का प्रयोग करें। किसान भाई जब आप गर्मा मूंग लगा रहे हो तो बीजोपचार करना न भूलें। बीजोपचार की एक विशेष विधि है कि सबसे पहले बुआई के 24 घंटा पहले किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे कि कैप्टन हो गया या फिर थीरम हो गया, इसकी 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका जो है बीजोपचार करें। उसके बाद बुआई के ठीक पहले जो है हम राइजोबियम कल्चर या PSB जिसको फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, इससे उपचारित करें, और इस उपचारित बीज को ही हम खेत में लगाएं। खेत में लगाने के लिए जो कतार से कतार की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए एवं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब लगाने के पहले जो है खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं तो उसमें हम उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक के लिए हम 100 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम पोटाश जो है प्रति हेक्टेयर की दर से गर्मा मूंग के लिए सफिशियंट है, तो इसका हम प्रयोग करें। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है तो गर्मी के दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है खेत को सींचना जरूरी हो जाता है, तो गर्मा मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक बार सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाई ध्यान दें कि जो हमारा जो पॉड बनने लगे माने उसमें फलियां बनने लगे तो उस समय खेत की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जब उसके बाद जो है कुछ हालांकि गर्मी के मौसम में तो कीड़े या बीमारियां कम लगती हैं, लेकिन कभी कभी किसान भाई जिसको कैटरपिलर करते हैं वो लग जाते हैं, या फिर जो है विषाणु रोग वायरल डिजीज होता है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं वो लग जाता है। तो इसके निदान के लिए हम जो है कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। और जहाँ तक इसका ये तुड़ाई का 65 से 70 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है, तो इसकी हम तुड़ाई करते हैं। आप जानते हैं अन्य फसलों की तरह मूंग जो है एक बार में इसकी तुड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये पकती जाती है और फलियां जो है कुछ फलियां हरी रहती है कुछ फलियां पकती जाती हैं, तो इस तरह इसको तोड़ लेते हैं। जो जो फलियां पक जाए उसको तोड़ करके जैसे जैसे फलियां पकती जाती हैं उसको तोड़ करके और हम इसको सुखा के इसका मड़ाई करते हैं और फिर भंडारण कर लेते हैं। और जो हमारा जो इसका जो स्टबल्स बचता है जो पत्तियां डंठल बचते हैं उसको खेत में ही छोड़ देते हैं, जो और अगले खरीफ सीजन के लिए इसको जो है इसकी फिर जो है उसमें खेत में जो है उसको इनकॉर्पोरेशन करते हैं। तो इससे हमारा जो अगली फसल है चाहे हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो जो है बरकरार रखती है। किसान भाइयों, जानकारियाँ बहुत खास और विस्तृत रूप से आपको मिल रही है, आशा है कि इससे आप लाभ भी उठाएंगे। डॉक्टर साहब, मूंग की उन्नत प्रभेद और खेती के बारे में आपने बताया, हमारे किसान भाई की झारखंड के परिवेश में जो मूंग की गर्मा मूंग की खेती कर रहे हैं उसकी क्या संभावनाएं हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, झारखंड राज्य में जो है ऐसे तो गर्मी में जो है पानी की समस्या हो जाती है, लेकिन वैसे जगह पे जहाँ पानी की समस्या नहीं हो, या तो कुआं से आप पानी पटाते हो या ट्यूबवेल से पटाते हो या तालाब से पटाते हो, तो कहने का तात्पर्य है कि मूंग की खेती करने से, खासकर गर्मा मूंग की खेती करने से किसान को अतिरिक्त लाभ के अलावा जो है वो अपना मिट्टी की दशा भी अच्छी बनी रहती है। और डॉक्टर साहब, और चलते चलते चाहेंगे कुछ खास संदेश गर्मा मूंग के बारे में? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गर्मा मूंग मतलब कि यदि सिंचाई की आपकी व्यवस्था हो, घर के अगल बगल भी यदि छोटे से छोटे जगह में भी व्यवस्था हो, तो गर्मा मूंग की खेती करें। गर्मा मूंग की खेती कम से कम 3-4 पानी में भी हो सकता है किसान भाई। और इसकी सबसे बड़ी ये है कि आज देखिए बाजार में मूंग जो है लगभग 100 रुपया किलो मिल रहा है, तो यह एक काफ़ी आप इसको नकदी फसल के रूप में भी ले सकते हैं और अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
गरमा मूंग की उन्नत खेती व परिभेद जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और खास थी, और डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे सुझाव के साथ बहुत कुछ खास रूप से आपको विस्तृत जानकारियाँ दी है। आशा करते हैं इन जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। क्या बात है, वाकई जानकारी तो बहुत जानकारी अच्छी थी कि, और हाँ बताइए कि आप गर्मा मूंग की खेती करते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें और साथ ही इन प्रभेदों का चयन करें। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, आपको आप इसका पूरा लाभ उठाएं। तो अभी जो दूसरी हाँ। जानकारी हमारे तो पत्रकार बंधु दिलाएंगे, वो आए नहीं है, वो जब तक आते हैं तब तक आप देखिए ये संदेश। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन, और ये रहा भोजन, और ये दस्ताना, मास्क, और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आंख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है, आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पत्रकार बंधु, आपको जोहार। जोहार 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 शिव कुमार जी। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो बताइए आज क्या है? यूँ तो झारखंड में हर तरह की फसल की खेती होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सब्जी की खेती। किसान भाइयों, अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए आपको कुछ खास इंतजाम करने होंगे। इसके लिए क्या इंतजाम करने होंगे, आइए हम लिए चलते हैं इस पर विस्तृत जानकारी के लिए अपने विशेषज्ञ के पास। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस के नायक, तो आइए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में पोषक प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को सबसे पहले यह बताइए कि सब्जी फसलों में पोषक तत्व की क्या आवश्यकता है, क्या क्या उनका रोल है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि आपने बताया पोषक तत्व, पोषक तत्व का मतलब हो जाता है कि जो हम खाद डालते हैं, खाद में ही पोषक तत्व रहता है। जैसे आप यूरिया खरीदते हैं, यूरिया में जो पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन है। जैसे डीएपी हो गया, डीएपी में हमारा दो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन हो गया और फॉस्फोरस हो गया। तो ऐसे बहुत सारा खाद है, रासायनिक खाद है, जैविक खाद है, उसमें बहुत किस्म के पोषक तत्व होते हैं। तो हम देखते हैं कोई भी पौधा हम लेते हैं उसमें हमको चाहिए 16 पोषक तत्व चाहिए, उसका भरपाई, इसका जो भी ग्रोथ या जो डेवलपमेंट के लिए जितना चाहिए वो 16 पोषक तत्व चाहिए। कोई ऐसा है कि ज़्यादा चाहिए और कुछ पोषक तत्व ऐसे ही कम मात्रा में चाहिए। तो ये दो किस्म के ज़्यादातर पोषक तत्व होते हैं, जैसे है कि मुख्य पोषक तत्व हो गया और दूसरा हो गया कि सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया। जैसे ये जो मुख्य पोषक तत्व है उसमें हमारा की है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद है आपका जो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। ये जो हमने 9 जो पोषक तत्व बताए ये मुख्य पोषक तत्व है, ये पौधा को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कम मात्रा में चाहिए पौधा को, वो है उसमें है आपका है आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब मिला के है पोषक तत्व पौधा के लिए चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व की बात है, ये मुख्य पोषक तत्व का क्या रोल है, मतलब कैसे पौधा में क्या काम करता है, पौध के बढ़ाव में या किस तरह का? हाँ,
ये जो है हम एक के बाद बताएं, जैसे नाइट्रोजन हम लेते हैं, नाइट्रोजन का जो रोल है उसमें क्या है, उसका ग्रोथ के लिए उसका बढ़ावा होता है, मतलब बढ़ता है। उसके बाद है फास्फोरस, फास्फोरस में क्या है, उसका जड़ में उसका स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब उसका जड़ बढ़वाई करता है। और पोटेशियम जो है फूल के लिए, फूल और फल के लिए उसका जरूरत पड़ता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व तो जितना भी है उसका जो रोल होता है कि उसमें जो स्वाद लाता है, अभी का जो कोई भी फसल लेते हैं, सब्जी फसल लेते हैं, धीरे धीरे स्वाद घटते जा रहा है। इसका कारण है कि हम सूक्ष्म पोषक तत्व तो पौधा में नहीं डाल रहे हैं, इसके चलते जो स्वाद आना चाहिए, जैसे मिठास होना चाहिए, उसी हिसाब से मिठास नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। पहले जो कोई भी सब्जी या कुकिंग करते थे उसका जो स्वाद बहुत दूर तक जाती थी, अभी वो स्वाद नहीं है, कोई भी करते हैं तो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मिट्टी में उसका कम ही है और हम लोग नहीं डाल रहे हैं, ऊपर से हम नहीं डाल पा रहे हैं। तो यही है कि हमको उसका मैनेजमेंट के लिए मतलब उसी हिसाब से हमको तैयार करना होगा। जैसे कि नाइट्रोजन की अगर कम होता है, जैसे नाइट्रोजन का उसका पौधा में उसका क्या होगा कि पहले आपका जो नीचे वाला पत्ता होता है, नाइट्रोजन का कमी पहले नीचे वाला पत्ता में दिखता है, वो पूरा पत्ता जो है पीला पड़ जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है पूरे पौधे में पीला होना जाता है। दूसरा बात हो गया फास्फोरस की, फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस की कमी होने से ये जो नीचे वाला पत्ता में आपका पिंक कलर हो जाता है। जैसे आप फूल गोभी या पत्ता गोभी जब लगाते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि जो नीचे वाला पत्ता होता है पिंक हो जाता है, नीचे का जो पत्ता है पिंक हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाता है। और पोटेशियम का जो मुख्य जो उसका कमी दिखता है कि जो पत्ता का जो मार्जिन है, जो मार्जिन में उसमें धीरे धीरे पीलापन हो जाता है और सूख जाता है और अंदर की तरफ ये आता है, क्योंकि ये जो है मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कोई भी इसका कमी आएगा तो उसका जो यील्ड में है उसका दिक्कत आता है, उसमें यील्ड सही मात्रा में नहीं आता है। अब हम डॉक्टर साहब बताएं किसान भाइयों को कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से क्या क्या हानि होता है पौध को या उसका उपज दर पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर सब्जी खेती आपको करना है तो बोरॉन आपका बहुत जरूरी है, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया। बोरॉन की कमी से क्या होता है, जैसे आपका कहीं भी अगर फूल गिर जाता है, फूल हो रहा है पौधा में लेकिन फूल गिर जा रहा है या छोटा फल होके उसमें गिर जा रहा है, तो ये उसका कारण है कि बोरॉन उसमें कमी है। दूसरा हो गया कि अगर फल आपका फट जाता है, जैसे फल होता है लेकिन फल फट जाता है, तो ये बोरॉन की कमी है। अगर फल क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाता है, जैसे हरा सब्जी जैसे होता है उसका नहीं होके पीला हरा टाइप का उसमें कलर डिसकलरेशन हो जाएगा, तब ये बोरॉन की कमी है। और फूलगोभी में देखें, जब फूल जब छितर जाता है, बीच बीच में पत्ता भी आ जाता है, धब्बे हो जाते हैं, तब ये बोरॉन की कमी है। तो ये बोरॉन कमी दूर करने के लिए हम फसल में बोरॉन का जो खाद है, जैसे बोरिक एसिड हो गया या बोरॉन 20 के नाम से मिलता है या सोलुबोर के नाम से मिलता है, उसको हम छिड़काव करते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि 20 लीटर पानी में 20 ग्राम का जो बोरॉन का खाद डालते हैं, उसमें 100 ग्राम यूरिया डालते हैं और उसमें एक सचेट शैम्पू जो बाल में लगाते हैं वो शैम्पू उसमें डाल के घोल बना के उसको हम छिड़काव करते हैं। छिड़काव का टाइम है कि अब फूल धरने से पहले इसको छिड़काव करना होगा। जब रोपाई के 10 दिन के बाद उसको हमको 3 बार महीने में आपको डालना होगा, मतलब रोपाई के 10 दिन के बाद 10 दिन के अंतराल में आपको 3 बार इसको छिड़काव करना होगा। उसी हिसाब से हमको जिंक का देखना होगा। जैसे जिंक में क्या होता है कि जिंक की कमी से जो हमारा बीज वाला पत्ता होता है उसमें जलने जैसा हो जाता है, एकदम धब्बे आ जाता है बीच बीच में और धब्बे होके उसमें जल जाता है। और जो बैंगन में आप देखे होंगे पत्ता छोटा हो जाता है, जैसे नॉर्मल पत्ता नहीं होके गुच्छेपन हो जाता है, तो ये जिंक की कमी है। और ये इसके लिए हमको जिंक सल्फेट नामक जो खाद मिलता है उसको घोल के हमको डालना होगा। जैसे इसका भी मात्रा वही है, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम जिंक सल्फेट डालना होगा और एक शैम्पू उसमें मिलाना होगा, और इसका भी छिड़काव उसी हिसाब से करना होगा जैसे बोरॉन के लिए हम छिड़काव करते हैं फूल धरने से पहले, तब जाके इसका रोकथाम हो पाएगा और दूर हो पाएगा। तो इसी हिसाब से हम करते हैं, क्योंकि अगर सब्जी में ये जिंक और जितना भी हम सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं तब जाके इसमें स्वाद या उसमें चमक, जो फल में जो शाइनिंग आता है, जो मार्केटेबल जो यील्ड होता है, जो हम सेलेबल कर पाते हैं, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व के द्वारा ही संभव हो पाता है और जो स्वाद बढ़ता है उसी के कारण हो पाता है। अगर ये हम डालते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर सब्जी में डालते हैं
और ये पौधा में जाता है तब हम उसको हम लेते हैं। आदमी के लिए भी हमको चाहिए जो सूक्ष्म पोषक, जिंक चाहिए हमें, आयरन चाहिए, बोरन चाहिए, हमारे सब मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए जितना चाहिए हम सब्जी से हम लेते हैं। तो हम सब्जी में जब तक ये नहीं डालेंगे तो ये हम नॉर्मल ह्यूमन बींग को भी नहीं आ पाता है। तो हम उसी हिसाब को ध्यान देना होगा कि ये हम सही मात्रा में डालें। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व की बहुत अच्छी जानकारी दी, पौध में उसके लक्षण, उसकी कमी के लक्षण को बताएं। अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा आपकी उपज दर बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। किसान भाई, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी। दोस्तों, आप जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने बताया आप उस पर अमल करें, बेहतर खेती करें, बेहतर उपज पाएँ, खुद अपने ज़िले की, राज्य की, पूरे देश की तरक्की में शामिल हों और करें। हम अब लगता है कि आज का अंक हमें ये इशारा कर रहा है कि अब आज्ञा लें जी, बिल्कुल। तो कागज़ कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 8340001। किसान भाई बहनों, पता तो आपने नोट कर लिया है, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देनी हो, आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।